बात करते हैं एनडीए की। सोमवार को पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 और एनडीए 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगा। अब पीएम मोदी के इस दावे को जमीन पर उतारने की रणनीति तेज हो गई है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। 400 प्लस के मिशन पर एनडीए का जोर। एनडीए में फिर शामिल होगी टीडीपी। अकाली दल से बीजेपी की बातचीत जारी है। इसके अलावा कई छोटे दलों से भी भारतीय जनता पार्टी की बातचीत हो रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पंजाब में अकाली दल एक बार फिर से एनडीए में आ सकता है और टीडीपी भी एनडीए में आ सकती है। यानी एक तरफ इंडिया गठबंधन बिखर रहा है और दूसरी तरफ एनडीए मजबूत होता जा रहा है। अभी तक एनडीए में करीब 40 दल हैं जिनकी संख्या आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। एक तरफ पश्चिमी यूपी की 27 सीटों को साधने के लिए जयंत चौधरी को एनडीए से जोड़ने की तैयारी है, तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर असर डालने के लिए टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू से मुलाकातें हो रही हैं। आज चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में मौजूद है। अमित शाह और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है। इसी तरह पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए अकाली दल से बातचीत जारी है, क्योंकि इस राज्य में अकेले दम पर लड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ हद तक मुश्किल है। बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर दक्षिण भारत में कांग्रेस को कमजोर करने पर है। कर्नाटक में पार्टी पहले से ही मजबूत है और अब आंध्र प्रदेश में समीकरण बनाए जा रहे हैं। टीडीपी अगर एनडीए में शामिल हो जाती है तो यहां बीजेपी की को बड़ी मजबूती मिल सकती है। इससे जुड़े कुछ आंकड़े मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी का गठबंधन था। तब बीजेपी ने 2 और तेलुगु देशम पार्टी ने 15 सीट जीती थी, जबकि वाईएसआर कांग्रेस जो कि जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है को सिर्फ 8 सीट मिल पाई थी। लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव में टीडीपी और बीजेपी अलग हुए तो वाईएसआर कांग्रेस मजबूत हो गई। तब बीजेपी का खाता भी नहीं खुला और टीडीपी 3 सीट पर सिमट गई। यही वो आंकड़े हैं जिसके आधार पर बीजेपी आंध्र प्रदेश में भी मजबूत दावेदारी करने लगी है। इससे पहले बीजेपी कई राज्यों में अपनी मजबूती बढ़ा चुकी है, जिसमें से एक राज्य बिहार भी है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ खड़े हैं। आज लंबे समय बाद उन्होंने पीएम मोदी से मिलकर दिल्ली में मिलकर मुलाकात की, भरोसा दिलाया वो भविष्य में भी बीजेपी के साथ खड़े रहे। लोग जो पहले से श्रद्धेय अटल जी के टाइम से, आप समझ लीजिए 1995 से जो साथ में थे, आप बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। तो नीतीश ने भी कह दिया कि अब इधर उधर नहीं होंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।